दल के सहयोग के बिना ना कोई सरकार बन सकती है, ना कोई समाज आगे बढ़ सकता है, और महिलाओं के सहयोग के बिना कोई सरकार बन भी जाती है के सहयोग से बन भी जाती है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी महिलाओं का सहयोग बहुत आवश्यक है। प्रदेश सरकार की गारंटी का है, चाहे वो मुद्दा महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के दौरान हुए हैं, किसी भी प्रकार उनको प्रभावी ढंग से लोगों तक ले जाने के लिए हमको काम करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा कहना यह कि एक साल की कांग्रेस सरकार की नाकामियों का जिक्र अब चौक चौराहे पर होना चाहिए। इस बात से सहमत है ना भैया? अब देख लिया, 6 महीने हिमाचल प्रदेश में सरकार ने इस बात को लेकर के रोते रोते गुजार दिया कि दिन लिया है, लोन लिया है, लोन लिया है। अरे हमने तो 2 सालों में 6,000 करोड़ रुपए लोन लिया था, आपने तो अभी 12 महीने होने वाले हैं, 1 साल होने वाले हैं, 12,000 करोड़ रुपए दिन लिया। हमारी पार्टी की ओर से जिम्मेवारी हमारी लगाई थी कुछ प्रदेशों में जाकर के जहां चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उन प्रदेशों में जाकर के हम अपने हिमाचल प्रदेश की गारंटियों का जिक्र करें कि उसमें क्या हुआ है। तो मालूम पड़ा हम छत्तीसगढ़ गए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हिमाचल के चुनाव के उस वक्त के प्रभारी थे, तो अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी 1 साल सरकार का पूरा हुआ नहीं और 10 की 10 गारंटियां पूरी कर। और इसी तरह से हम छत्तीसगढ़ में भी करेंगे बोलते। तो हमने पूरी पार्टी की ओर से पूरी पीपीटी बना करके वहां पत्रकार वार्ता में जाकर के छत्तीसगढ़ में रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारी, और उसी तरह से इंदौर में, उसी तरह से राजस्थान में जयपुर में भरतपुर गृहिणी सुविधा योजना एक योजना है, और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक नहीं अनेकों योजना तो केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूर्व सरकार प्रदेश, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं की आबादी के मुताबिक हमने बसों में आने जाने का किराया आधा किया। जिसमें हम जिक्र कर सकते हैं दूसरी योजना जो हमारी शगुन योजना है, उसका हम जिक्र कर सकते हैं, 31,000 उस बेटी के अकाउंट में हम डाल देते हैं, जो बीपीएल परिवार की बेटी जिसकी शादी होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया है 33% का। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।